नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए इशू लग रही है अपने पापा के सर की मालिश करने के लिए। और इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है सर में मालिश करवाना। मैं भी करती रखती हूँ, लगभग एक हफ्ते में तो एक बार कर देती हूँ। और इनका बस चले तो ये तो रोज़ ही बोलते हैं कि कर मेरे माल मेरे सर में तेल लगा दो। और अच्छा तो लगता ही है, बहुत आराम सा मिलता है, एक माइंड बिल्कुल रिलैक्स सा हो जाता है। तो मैं तो अभी खाना बना रही थी, ईशु थी फ्री, तो इन्होंने ईशु को ही बोल दिया कि बेटे मेरे सर में मालिश कर दे। और ईशु को देखा कितना मज़ा आ रहा मालिश करने में, उसका तो गेम सा बन रहा, बिल्कुल गेम की तरह कर रही, पूरी मस्ती में चूर होकर अपने पापा की मालिश कर रही है। और इसके पापा भी बहुत खुश हो रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा। तो यहाँ दोनों बाप बेटे की मसाज भी चल रही है और दोनों की मस्ती भी चल रही है। देखे कैसे कर रही वो। तो देखे फ्रेंड्स, ईशु ने बहुत अच्छी मसाज करी मेरे सिर की और तर कर दिया तेल तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और टेंशन से भी आती होगी मेरी, तो ईशु रोज करा कर तू आदत गिर रहे। और आशु ने बना दिया खाना, क्या बना दिया तन्ने? आज तो दोपहर का इलाज चल रहा। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, बिरान नहीं होना चाहिए बस। नहीं छोले बनाए थे ना दोपहर के, वही रखे, बस रोटी बनाऊंगी। अच्छा, थोड़े से चावल भी रखे, चावल कोई लेगा ले लगा, नहीं तो रोटी सेक रही, सब्जी गरम कर दी। और आपके लिए तो खीरा और प्याज काट दिया। आप तो खीरा खीरा ही खाऊ। रोटी तो खाने का थी? रोटी नहीं, मैं खाने का चे कितनी जबरदस्ती कर लिया। तो नहीं करती, मुझे तो और फायदा कम पड़नी पड़ेगी। साइड करके कैमरा लगाना जरा। अच्छा हाइड करके मेरे ऊपर है। जब खाओगे गुड्डू लगा लिए, फिर पता लग जाएगा ये झूठ बोल रहा है। खाता भी नाम लूट लेते, अब खाता नहीं है, अब छोड़े भी नहीं। खीरा ही चलेगा आज तो, बस खीरा। लालच आ जाए तेन कहते, बस एक दे दो जो। अरे तुम मुझे लालच दे जाओ, बार बार मेरे सामने रोटी लाओ, बार बार लाओ, फिर मैं क्या करूं। तो आप ऑफिस बता ना करो, जो हम खावे बाद में करो ना। जो कहते करो, हमारा तो आ गया पूछ लेगा एक बार। एक बार तो देखो पूछना ही पड़ेगा, निकल गुन तो निकलेगा कोई अगला पूछा नहीं, पूछा नहीं। तो हमारा तो आप पूछने का, आप लोग कहते करो मैं नहीं खाता, वही बैठे रह करो। फिर वहां नहीं बैठा जाता मेरे पे, फिर मुंह जरूर चलाना पड़ेगा। तो ये जैसा आपको पता कन्हैया आ गया था। कन्हैया कैसा हिसाब है गाँव में, ठीक ठाक सब? सब बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, एक बोया कटवा दिए, घर का काम निमटवा दिया, सारा खेत का जो भी था। अच्छा तो जब मैं बताऊं, तेरे पीछे था हमने ढेर पकवान बना बना के खाए। बढ़िया बात नहीं जी थारी है? बढ़िया बात। हाँ। क्या क्या बना दिया बस। अब नहीं बनने का कहते तुम सोचे। चलो कोई बात। और तू अपने घर में नौकर है आज तक, नु भी कह रहे वे लोग बाग, न कह कन्हैया को नौकर बना रखा तुमने। जो कह रहे कहन तो क्या हो गया। कहने वालों का तो कहना ही है, तो काम है कहना। चलो ए शो, चलो खाना लाओ, चाचू को भी दे मुझे भी दे। हाँ मैं तो खाता ही नहीं। मैं तो खाता ही नहीं, भूख लिकट गया मुंह तो वैसे ही। नहीं नहीं मैं नहीं खाने का, मुझे सलाद दियो बस। ठीक है, खाना हमारा हो गया है जी सबका। और मैंने देखिए दूध भी गर्म करके रख दिया, ये रख दिया है। और इधर मैंने आलू भी बॉईल कर दिया सुबह के लिए। अभी पक्का तो पता नहीं क्या बनाना, वैसे मैं सोच रही थी सुबह आलू के पराठे बना दूंगी या पूरी। तो वैसे तो मैंने आलू उबाल दिए हैं, देखती हूँ क्या बनाना। और फिर वो ईशु कहती कि गुड्डू जी की मम्मा सैंडविच देना बना के, तो मैंने ब्रेड मंगा ली। लेकिन फाइनल सुबह ही पता चलेगा क्या बनाना, बस मैंने आलू बॉईल कर दिए, हो गए। थोड़ी देर में इन्हें निकाल कर रख दूंगी,
तो ये ठंडे हो जाएंगे। और शाम को ये सारी तैयारी कर लेना, रात को ही करके पढ़ाए तो सुबह की टेंशन बहुत कम हो जा, मतलब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। इस वजह से मैं ज्यादातर कुछ ऐसे काम होते हैं तो वो रात को ही करके पढ़ती हूँ। और बच्चों के जो लंच बॉक्स वगैरह वो भी मैंने सारे लगा कर रख दिए। ईशु की तबीयत आज ठीक रही, घर में ठीक रही वो, अगर रात को ठीक रही तो कल उसको भी भेजना है स्कूल। मैं कहा चली जाएगी, दो तीन दिन हो गए, तीन क्या चार दिन हो गए ईशु को तो, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी और मंडे ट्यूजडे वो गई नहीं, तो इस वजह से मैं कहा चलो देखती हूँ अगर आज सही रही तो कल भेज दूंगी, क्योंकि होमवर्क भी बहुत हो जाता है बच्चों का और छूटता भी है काम इस वजह से। तो ईशु गुड्डू अपना होमवर्क स्कूल का कर दी ट्यूशन का बच्चों को ना आजकल होमवर्क इतना ज्यादा मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा, तो वो अपना ट्यूशन से आई थी अभी स्कूल का करने लगी। अभी तो कितना है ज्यादा कम, बहुत सारा ही रहा तेरा तो रोज की रोज तो वो कर लेगी। और ईशु को भी मैंने बोला, मैं कहा तो कुछ कर ले पढ़ ले या फिर अपना सो जा, पड़ गया सुबह जल्दी उठ जाएगी। और मैं भी अब थोड़ी देर बस ऊपर घूम के फिर आराम करूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, 8:20 होली, सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल में। ईशु की तबीयत ठीक सी थी आज, बिल्कुल ओके तो थी नहीं, कमज़ोर सी तो हो ही रही वह, लेकिन फिर भी स्कूल में भेज दिया, अभी बोर ही हो जाओ पूरा दिन ऐसे ही, कभी मोबाइल में कभी कैसे, और उसका काम भी छूट जाता है, तो इसलिए ईशु को तो भेज दी स्कूल में। और आंसू लग रही रसोई में, कन्हैया जैसे कि कल आ गया था, वो चला गया सुबह ही नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी, वो जा लिया ऑफिस में, वो लग रहा काम पे। अभी नाश्ता भी नहीं किया उसने, क्योंकि नाश्ता बना नहीं, अभी नाश्ता बना रही आंसू। क्या बना दिया तुमने आज, तो कुछ पकवान से लग रहे मुझे, मैं तो सैंडविच बना रही। बच्चों को भी वही दिया क्या, ये स्पेशल बनने तो रात आलू उबाले थे, वो तो पूरी बना दूंगी। हाँ। रायता और पूरी का था, आलू की पूरी या पराठे, लेकिन ना गंदी गुड्डू ले जाती थी स्कूल में, वो कहती है कि मम्मा में ठंडी अच्छी लगती है, थोड़ी वो जाना गली गली सी रख के गिल्ली सी। हाँ, बाप से ना हो जा खराब, तो वह खाती थी। फिर वह कह रही, वह कहा फिर पराठे बनवा दू, कह रही मेरी मम्मा सैंडविच ही बना दो, तो सब वही दी बना के। अब वह कहा जब उन्हें दी तो तब मैं भी आई दे दू बना के, और क्या था। चल बना दे फिर, तो खा लोगे? खा लेंगे, रोटी दोपहर को खा लिया। कन्हैया को बुलाओ, लगेंगे 5-4 मिनट। नहीं बस आ जाओ, चाय भी बनूंगी, और बस सेकनी सेकनी है, तवा रख दिया। चल सेक, गोल गोल सेक मावा में अपना बन गया, मैं बुला रहा हूँ। तो बस मैं बनाने लगी हूँ इनके लिए सैंडविच, और बच्चों की तो दही दी थी सुबह बना के, तो जब तक कन्हैया को बोला वो कहने लगा अभी मेरा काम है 5 मिनट का, तो जब तक मैंने दोनों भाइयों के लिए सैंडविच बना के कर दी है तैयार। और जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो मेरा सैंडविच मेकर है वो ख़राब हो रहा, उसमें चिपक जाती है, तो अब मैं तवे पर ही बनाती हूँ, और तवे पे ना आसानी से बन जाती है और उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैंने ये देखा। पहले मैं उसी के चक्कर में रहती थी कि इसमें बनानी बनती नहीं, चिपकती थी, कहीं कुछ फॉइल पेपर चिपकाओ कहीं कुछ, लेकिन जब से मैंने तवे पे बनानी शुरू करी तो मुझे इजी भी लगता है और टेस्टी भी लगती है। बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा ये जो तवे पे आप बनाते हो ना सैंडविच, ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब से मैंने सोचा चलो ये तो और भी अच्छी बात है और इजी भी है इस पर करनी, तो मैं कहा चलो मैं तवे पे ही बना दिया करूँगी। और यहाँ मैंने देखे दोनों भाइयों के लिए प्लेट लगा के तैयार कर दी और चाय भी लगा दी। कन्हैया पता नहीं लेगा या नहीं चाय, मैंने तो बना दी है दोनों के लिए, जैसे भी उसको ठीक लगेगा ले लेगा। तो बस मैं एक बार दे आई हूँ उनको और भी सेक दूंगी गरम गरम, बस साथ साथ गरम गरम सेकती रहूंगी और दे दूंगी। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और मेरा सारा घर का काम भी हो गया, और मैंने पहले ही लगा दी थी मशीन ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, मैंने सोचा चलो जब तक अपना घर का काम होगा, साफ़ सफाई का, किचन का, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है, तो मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे जब तक, तो कपड़े मेरे धुल गए थे और बस अब सारा काम घर का समेट लिया मैंने, मतलब कर दिया क्लीनिंग भी, किचन भी सारी सेट कर दी। अब बस लास्ट काम मेरा सुबह का टाइम होता है कपड़ों को पानी में निकालना, जिस दिन मैं सुबह धो लेती
लेती हूँ, जैसे नहाने से पहले धोती हूँ फिर तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है जब कपड़ों में लग जाती हूँ ना तो फिर नाश्ते में देर हो जाती है, फिर ये कहते हैं कि नाश्ता नहीं बना। और मैं सोचती हूँ चलो ये भी अपने मेरी वजह से ये भी परेशान ना हो और इनकी वजह से इनका काम भी ना छूटे। मतलब तो दोनों भाइयों को मैंने दे दिया था नाश्ता बना के और वे अपने काम पर लग गए, तो अब अपना टेंशन फ्री होकर मैं कभी तक करती रहूँ काम। अब मुझे ये नहीं है कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि इन्हें नाश्ता भी देना, तो टेंशन टेंशन में काम से करते रहो ना, बहुत ज्यादा मन भी परेशान रहता है और भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए जो भी काम मेरे लिए पहले मुझे लगता है कि ये जरूरी, तो मैं इसीलिए वो ही काम करती हूँ। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना दूंगी तो ये काम पे लग जाएंगे और बस फिर आराम से करती रहूंगी। तो यहाँ आज बस फिर मैंने बाद में ही लगाई थी मशीन। वैसे तो ज्यादातर अब मैं क्या करती हूँ सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी और जब ऊपर जाती हूँ फैलाने के लिए तो धूप हो जाती है बहुत ज्यादा इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो पहले बाद में लगा लूंगी, तो यहाँ बस मैं लगा रही हूँ। लगा तो रखी थी धुल गया और अब निचोड़ रही हूँ। और बाथरूम में मैंने इसके पापा के कपड़े जो थे नए थे वो मैंने इजी में भिगो के रख रखे थे, वो भी मैं ले आई हूँ धो के, वो मैंने धो दिए हैं, बस उनको ड्रायर करने के लिए डाल दूंगी मशीन में। कपड़े मेरे धुल गए थे सारे और अब आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे, और यहाँ पे गेहूँ थे ये जो कल वाले वही, तो ये मुझे भरने थे तो मैंने सोचा चलो थोड़े से इनको फैला दूँ और अच्छे से आँच लग जाएगी। अभी तो तेज़ धूप हो रही, टाइम लगेगा भरने में, तो शाम के टाइम में इनको भर दूंगी। तो ज़्यादा तो नहीं फैलाए मैंने, दूर तक थोड़े ही फैलाए। तो जी खैर बस अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।